हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही सभी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आधुनिक भारत के इतिहास के जिस टॉपिक को मैं आज कवर करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है गांधी जी की भारत वापसी से लेकर हंटर आयोग। जी हाँ, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा गांधी जी की भारत वापसी से लेकर और हंटर आयोग के बीच क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, इन सब के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, जो गांधी जी थे वो 1915 में भारत लौट आते हैं। आपको पता है इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो गांधी जी 1915 में भारत लौट आते हैं जनवरी में। और आपको पता है इसी उपलक्ष में जनवरी में हम लगभग 8 या 9 जनवरी के आसपास हर साल हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो गांधी जी 1915 में जनवरी माह में भारत लौट आते हैं दक्षिण अफ्रीका में। उनके संघर्ष और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। भाई, उन्होंने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्ते के प्रयोग कर रहे थे तो अफ्रीका के साथ साथ वो भारत में भी बहुत प्रसिद्ध हो गए। न केवल शिक्षित भारतीय अपितु जन सामान्य भी गांधी जी के बारे में भली भांति परिचित हो चुका था। यानी कि जो लोग पढ़े लिखे थे भारत में वो तो गांधी जी के बारे में जान चुके ही थे, साथ ही साथ जो लोग नहीं पढ़ते थे यानी कि कम पढ़े लिखे थे या जन सामान्य जन साधारण लोग थे, जो सामान्य लोग थे वो भी गांधी जी के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके थे कि वो क्या क्या कर रहे हैं, अपने जो भारतीय लोग हैं वहां पर दक्षिण अफ्रीका में उनके लिए क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं। राइट, गांधी जी ने निर्णय किया कि वे अगले एक वर्ष तक समूचे देश का भ्रमण करेंगे। यानी कि जब गांधी जी 1915 में आ गए तो उन्हें लगा, क्योंकि वो भारत से परिचित नहीं थे, तो उन्होंने निश्चय किया एक साल तक, लगभग 1-1.5 साल तक वो पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, पूरे भारत को घूमेंगे, देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं तथा जन सामान्य की यथास्थिति का स्वयं अवलोकन करेंगे। यानी कि उनका देखेंगे भारत में स्थिति कैसी है, क्या समस्या है। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि फिलहाल वह किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई सार्वजनिक कदम नहीं उठाएंगे। देखो, जब गांधी जी को भारत की राजनीति के बारे में प्रारंभ में कुछ नहीं पता तो वो कैसे इसमें भाग ले सकते हैं, कैसे कोई कदम उठा सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज से अपने आप को दूर रखा प्रारंभ में। भारत की तत्कालीन सभी राजनीतिक विचारधाराओं से गांधी जी असहमत थे। यानी कि उस समय की जो भी विचारधारा रही होंगी, जब गांधी जी आए थे तो वो उन सब से एग्री नहीं करते थे, सहमत नहीं थे। नरमपंथी राजनीति से उनकी आस्था पहले ही खत्म हो चुकी थी तथा वे होम रूल आंदोलन की इस रणनीति के भी खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अवसर है। यद्यपि होम रूल आंदोलन इस समय काफी लोकप्रिय था, किंतु इसके सिद्धांत गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। होम रूल जो आंदोलन था उसके थॉट्स अलग थे और गांधी जी के थॉट्स अलग थे। उनका मानना था कि ऐसे समय में, जबकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 से 1978 तक चला था, ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, होम रूल आंदोलन को जारी रखना अनुचित है। उन्होंने यह तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है अहिंसक सत्याग्रह। अहिंसक सत्याग्रह यानी कि बिना किसी हिंसा का प्रयोग किए सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि जब तक कोई राजनीतिक संगठन सत्याग्रह के मार्ग को नहीं अपनाएगा, तब तक वे ऐसे किसी भी संगठन में संबंध नहीं हो सकते। यानी कि उन्होंने घोषणा कर दी, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि जब तक कोई भी राजनीतिक संगठन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्याग्रह वाले मार्ग पर नहीं चलेगी तो मैं भी उनका साथ नहीं देने वाला, मैं भी उनसे कनेक्ट नहीं होने वाला। रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन जो आपका बिहार में हुआ था, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ही जो गुजरात में है, सत्याग्रह में हिस्सा लिया। तो गांधी जी के जो सर्वप्रथम प्रयोग थे भारत में, सबसे पहला था चंपारण आंदोलन, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा खेड़ा, ये तीनों गांधी जी के सर्वप्रथम प्रयोग है, इनको ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, या खेड़ा इनको आप सत्याग्रह भी कह सकते हो। ये तीनों ही आंदोलन स्थानीय आर्थिक मांगों से संबंधित थे। इनमें अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरी का आंदोलन था तथा चंपारण और खेड़ा किसान आंदोलन थे। यानी कि जो 3 सत्याग्रह हुए, 3 आंदोलन हुए, इसमें से जो अहमदाबाद वाला आंदोलन था वो तो था औद्योगिक मजदूरी का आंदोलन, यानी कि मजदूरी से संबंधित था, और जो आपका चंपारण और खेड़ा आंदोलन था वो किसान आंदोलन थे। राइट,
अब हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन की या फिर चंपारण सत्याग्रह के बारे में। देखो कुछ किताबों में 1916 1917 के आसपास की घटना है, तो एग्जैक्ट आप 1916 या 17 के आसपास की घटना कह सकते हो आप इसको। अब चंपारण का मामला काफी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे गोरे लोग अंग्रेजों को कहते हैं, गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तीन कठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया था, यानी कि रासायनिक रंग यानी डाई का विकास हो गया था, जिसने नील को बाजार से बाहर बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब जर्मनी में डाई बन गई तो जो भारतीय लोग नील की खेती करते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन हो गया। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बागान मालिक किसानों की विवशता का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध मुक्त करने की एवज में लगान और अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं कि जब जर्मनी में डाई का विकास हो गया, तो अब क्या हुआ, भारत की जो नील की खेती थी, जो नील था वो उसका उसको बाहर का रास्ता दिखना पड़ा। अब भारत के जो किसान थे वो अब नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज लोग उनसे जबरदस्ती ये काम कराना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्योंकि भारतीय लोग तो नील की खेती करना नहीं चाहते थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनमें करों में वृद्धि कर दी, टैक्स बढ़ा दिया कि अगर वो अब नील की खेती नहीं करोगे तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपनी उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। तो जो चंपारण आग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण जो आंदोलन हुआ था, उसमें बिहार में एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, वो एक आंदोलनकारी थे, उन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रण दिया था कि आप आइए, हमारे चंपारण में बहुत सारी समस्याएं हैं। तब गांधी जी उनके बुलावे पर चंपारण में गए थे। राइट, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। अब गांधी जी क्या आ गया, इनके सहयोग से गांधी जी पहुंच गए चंपारण में। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया। अब गांधी जी पहुंच गए, अब गांधी जी को कहा गया कि आप यहाँ से जाइए, किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दंड का भुगतान करने का फैसला किया। देखो गांधी जी को चंपारण में वहां के अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, तो गांधी जी ने कहा कि भाई मैं क्यों जाऊँ, मेरा देश है, मेरा देश, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दंड का भुगतान करने का फैसला किया। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का मार्ग चुनना विरोध का सर्वोत्तम तरीका था। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांवों में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। इस बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया तथा गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि तीन कठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाए। बाद में एक और समझौते के पश्चात गोरे बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए। इसके एक दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम युद्ध सफलतापूर्वक जीत लिया। चंपारण सत्याग्रह से संबंध अन्य लोकप्रिय नेताओं में अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद एवं शुभ शरण वर्मा शामिल थे। तो क्या समझ में आया इसमें, इसमें यही कि चंपारण में जो समस्याएं थी उसके बारे में बताया राजकुमार शुक्ल ने कि गांधी जी आप आइए, चंपारण में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो गांधी जी बहुत सारे व्यक्तियों के साथ, जैसे राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, इनके सहयोग से गांधी जी पहुंच गए चंपारण में। उन्होंने देखा क्या क्या समस्याएं हैं। गांधी जी अब वहां के जो अधिकारी थे, उन्होंने गांधी जी को मना कि आप यहाँ पर क्यों आए। गांधी जी ने कहा कि भाई मैं तो कहीं भी घूम सकता हूँ, मेरा देश है। तो गांधी जी को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को कहा गया कि अब आपको यानी कि पैसे देकर जमानत करानी पड़ेगी कि जब मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो मैं किस बात का हर्जाना, किस बात का दंड का भुगतान करूं। तो यह देखकर अंग्रेज विवश होने लगे और अंग्रेजों ने उनकी मांगों को मान लिया, क्योंकि गांधी जी समझा अपनी बात को समझाने में सफल हो गए कि जो आपने तीन कठिया पद्धति लगा रखी है, 3/20वें हिस्से पर आप खेती करा रहे हो, ये बेकार है, गलत है, बिल्कुल इससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो गांधी जी अपनी बात को समझाने में सफल हो गए, अंग्रेजी सरकार झुक गई और ये जो प्रयोग था गांधी जी का, ये बिल्कुल सफल हुआ। तो गांधी जी का पहला प्रयोग चंपारण। अब हम बात करते हैं अगले प्रयोग की, अहमदाबाद मिल हड़ताल।
चंपारण के बाद गांधी जी ने मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। यहाँ क्या हो रहा था कि मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा, यानी कि प्रमोशन को लेकर, बोनस को लेकर। बोनस आपको पता है कि अपनी जो तनख्वाह है सैलरी में उसमें वृद्धि, इस तरह का एक विवाद छिड़ा। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा, जबकि मिल मालिक, जो मिल के मालिक थे, मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के लिए राजी थे। देखो कुछ समझ ऐसे है, कहानी मैं आपको बताता हूँ कि अहमदाबाद में क्या हुआ था कि मालिक और मजदूरों के बीच संघर्ष ये चल रहा था कि मजदूर कह रहे थे कि हमें बोनस चाहिए और बोनस चाहिए 50%। अब मालिक कह रहे थे कि आपको 20% बोनस मिलेगा। अब समस्या थी कि 50% माना जाए या 20% माना जाए। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने दोनों बीच का एक रास्ता अपना लिया। गांधी जी 35% पर दोनों को रजामंद कर, दोनों को राजी करा लिया, दोनों को एग्री करा लिया कि आप 35% पर मान जाइए, 35% बोनस दे दीजिए। तो अब मजदूर भी खुश हुए और इससे मालिक भी खुश हो गए। तो ये उनका दूसरा प्रयोग था। चलिए फिर से पढ़ते हैं कि चंपारण के बाद गांधी जी ने मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। यहाँ मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा, जबकि मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के लिए राजी थे। गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी कि वे शांतिपूर्ण एवं अहिंसक ढंग से अपनी हड़ताल जारी रखें। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल प्रारंभ करने का फैसला किया। अंबालाल साराभाई की बहन, जिनका नाम था अनुसुईया बेन, ने संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। गांधी जी के अनशन पर बैठने के फैसले से मजदूरों के उत्साह में वृद्धि हुई तथा उनका संघर्ष तेज हो गया। मजबूर होकर जो मिल मालिक थे समझौता करने को तैयार हो गए। अब गांधी जी की जब वो लोग बात नहीं मान रहे थे मिल मालिक, तो गांधी जी तो बैठ गए अपने अनशन पर, अपनी हड़ताल पर बैठ गए। अब जो मिल के मालिक थे वो उन्हें उनका समझौता करने के लिए वो तैयार हो गए, मान की बात मानने के लिए तैयार हो गए तथा सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। जिस मुद्दे को लेकर हड़ताल प्रारंभ हुई थी, ट्रिब्यूनल के फैसले से वह समाप्त हो गया। ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय देते हुए मिल मालिकों को 35% बोनस मजदूरों को भुगतान करने का फैसला सुनाया। गांधी जी की यह दूसरी प्रमुख विजय थी। तो पहली थी चंपारण, दूसरी थी अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब तीसरा आते हैं खेड़ा सत्याग्रह पर। यह भी 1918 के आसपास की बात है। वर्ष 1918 के भीषण अकाल के कारण गुजरात के खेड़ा, देखो 1918 में गुजरात में अकाल पड़ गया, उसके खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई। फिर भी सरकार ने किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी, यानी कि हड़ताल पड़ गई लेकिन हड़ताल हो रही है, हड़ताल है, अकाल है, माफ कीजिएगा, अकाल है, लेकिन जो सरकार थी वो अपने जो उन्होंने सख्त कानून बना रखे थे वसूली करने के, वो कर ही रहे थे, उसमें वो कमी नहीं कर रहे थे। राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से भी कम हो तो किसानों का राजस्व पूरी तरह माफ कर दिया जाना चाहिए। एक नियम था कि यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन का 1/4 से भी कम हो, यानी कि आपने जितनी भी फसल, यानी कि टोटल जितना उत्पादन था उसमें से आपकी 1/4 से कम हुई फसल, 1/4 पार्ट से कम हो गई है, तो आपको जो राजस्व था, आपको जो राजस्व था, जो आपका टैक्स था, रेवेन्यू था, वो आपको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया, किंतु सरकार ने किसानों का राजस्व माफ करने से मना कर दिया। गुजरात सभा, जिसमें किसान शामिल थे, 1919 के राजस्व वर्ष के मूल्यांकनों को लागू न करने की प्रार्थना के लिए प्रांत के सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारियों के सम्मुख याचिका रखी। सरकार कठोर बनी रही और कहा कि यदि करों का भुगतान न किया गया तो किसानों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फलस्वरूप गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा न करने तथा सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक तथा कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांवों का दौरा प्रारंभ किया। इन्होंने किसानों को लगान न देने का एक शपथ दिलाई कि आपको लगान नहीं देना है, आप शपथ लीजिए। गांधी जी ने घोषणा की यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे तो लगान के देने में सक्षम किसान स्वेच्छा से, यानी कि अपनी इच्छा से अपना लगान अदा कर देंगे, यानी कि जो जो कैपेबल है, जो समर्थ है लगान देने में, वो खुद से दे देंगे, लेकिन आपको माफ करना पड़ेगा जिनके लिए समस्या है। दूसरी ओर सरकार ने लगान वसूलने के लिए दमन का सहारा लिया। कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति हड़प ली गई, उनके मवेशियों को जब्त कर लिया गया, यानी कि पशुओं को जब्त कर लिया गया।
अंततः सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया। उसने एक वर्ष के लिए कर माफ कर दिया और आगामी वर्षों में करों की दर में कमी की तथा किसानों की जब्त संपत्ति को लौटा दिया। खेड़ा आंदोलन ने किसानों के बीच एक नवीन जागरूकता का संचार किया। किसान जागरूक हुए कि जब तक उनका देश संपूर्ण आजादी प्राप्त नहीं करता, तब वे अन्याय और शोषण से मुक्त नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन हो रहे हैं किसानों के मन में पैदा हो रही है कि हाँ कि अंग्रेजों से अपनी बात मनवाई जा सकती है। किसके ये सब किसके नेतृत्व में हो रहा है? गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है, राइट। चलिए, तो पहला प्रयोग चंपारण, दूसरा आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा आपका खेड़ा सत्याग्रह। अब हम बात करते हैं रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट 1919 का वर्ष भारत के लिए अत्यंत सोच एवं असंतोष का वर्ष था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत के रक्षा अधिनियम की शक्ति समाप्त तो प्राय थी। अब क्या हुआ, 1919 तक आते आते पूरा जो देश था, पूरे देशवासी थे, उनके मन में, मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो चुकी थी कि हाँ, अंग्रेजों को अपने देश से भगाया जा सकता है, इनको यहाँ से भेजा जा सकता है वापस। तो इस गतिविधि को कुचलने के लिए ब्रिटेन क्या कर रही थी? ब्रिटेन एक योजना बना रही थी। अब देखिए क्या योजना है। सरकार ने सर सिडनी रोलेट की नियुक्ति की, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिडनी रोलेट, उनकी नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहाँ तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रोलेट की समिति ने जो सिफारिश की, उन्हें ही रोलेट अधिनियम या फिर रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्य को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की असाधारण शक्तियां दे दी गई। युद्ध काल में तो यह विधेयक उचित माना जा सकता था, किंतु शांति काल में यह पूर्णतया अनुचित था। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा तथा इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब देखिए, अभी आपने देखा कि 1919 में जो भारत के लोग थे, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो चुकी थी कि हाँ, अंग्रेजों को निकाला जा सकता था। अब जगह जगह क्रांतिकारी आंदोलन की स्टार्ट हो चुके थे। तो अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि भाई, ये जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं, ये तो हम लोगों के लिए खतरनाक है। तो उन्होंने एक व्यक्ति, सर सिडनी रोलेट, उनकी एक नियुक्ति की, उन्हें ये काम सौंपा गया कि आप जाओ, देख कर आओ भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियां हो रही है, कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है जो हमारे लिए खतरनाक है। और उनके साथ साथ आप ये भी देखिए कि उनसे निजात पाने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए, उन गतिविधियों पर काबू पाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो सिडनी रोलेट थे, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट को ही रोलेट अधिनियम या फिर रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या किया गया था कि आपको बिना वारंट के व्यक्ति को, कि अंग्रेजी सरकार भारतीय व्यक्तियों को जो क्रांतिकारी थे उनके, उनको बिना वारंट के आप बंदी बना सकते थे, उनको कहीं भी, यानी कि उनको अपनी अपने पक्ष में बोलने का भी अधिकार नहीं था, कोई अलग से वकील भी नहीं कर सकते थे। तो इस तरह का कानून बना लिया गया था और इसको भारतवासियों ने काला कानून कहा था। तो काला कानून किसे कहा जाता है? रोलेट एक्ट। नहीं, ये कब हुआ था? ये 1919 की बात है। किसकी नियुक्ति की गई थी? सर सिडनी रोलेट की। सर सिडनी रोलेट की क्यों की गई थी? कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां पनप रही है, उन पर काबू कैसे पाया जाए, इस कारण अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट पेश किया था, रोलेट एक्ट लेकर आए थे, राइट। अब देखिए क्या हुआ, जब रोलेट एक्ट आ गया, अब उसके विरोध में एक सत्याग्रह किया गया। ध्यान से सुनिएगा, विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रोलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया। इसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा। गांधी जी ने फरवरी 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन का आह्वान किया। लेकिन संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय किया और एक सत्याग्रह सभा गठित की गई। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष किया जाएगा, प्रचार कार्य किया जाएगा, राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी, उपवास किए जाएंगे, प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाएगा और अंग्रेजी कानून को माना नहीं जाएगा। अगर वो हमें गिरफ्तार करे तो हमें अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। इसके क्या क्या कारण हुए? जो जनसामान्य था, उसको आंदोलन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। अब वे अपनी समस्याओं को केवल मौखिक अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष कार्रवाई भी कर सकते थे। इसके कारण किसान हो गए, शिल्पकार और शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गया। उनकी यह सक्रियता आगे के आंदोलन में भी बनी रही।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष स्थायी रूप से जनसामान्य से संबंध हो गया। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अनशन की प्रासंगिकता तभी है जब भारतीय जागृत होकर सक्रियता से राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बने। यानी कि गांधी जी कहीं ना कहीं बताना चाह रहे थे कि अगर आपको भारत के लिए जागृत होना है तो हर हर एक वर्ग को, हर एक तबके को शामिल होना पड़ेगा। सत्याग्रह तो 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया, लेकिन तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक स्वरूप धारण कर लिया। कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद आदि स्थानों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई तथा तो अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन बलपूर्वक नियुक्तियों तथा तो कई कारणों से जो जनता थी उन्होंने पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया तथा परिस्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई। अमृतसर और लाहौर में तो स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। मजबूर होकर सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ा। गांधी जी ने पंजाब जाकर स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें मुंबई भेज दिया गया, बंबई भेज दिया गया। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को वह घटना घटित हुई जो ये बताती है कि अंग्रेजी सरकार कितनी क्रूर थी, कितनी घिनौनी सरकार थी। 13 अप्रैल 1919, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जलियावाला बाग हत्याकांड की। तो चलिए अब हम बात करते हैं जलियावाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। शुरू में प्रदर्शनकारियों ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। भारतीयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। खाली सड़कों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए धोखे को लेकर भारतीयों की नाराजगी जाहिर की, यानी कि सड़कों पर उतर आई जनता। 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं जैसे कि सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया और वे 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब से बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। जल्द ही विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, लेकिन पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे काफी तनाव फैल गया। दंगे में 5 अंग्रेज भी मारे गए और मार्सिला शेरवुड, एक अंग्रेज मिशनरी महिला जो साइकिल पर जा रही थी, को भी पीटा गया। उपद्रव को शांत करने के लिए तुरंत सैनिक टुकड़ी को भेजा गया। क्षेत्र में मार्शल कानून लागू करने और स्थिति शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ब्रिगेडियर, जिनका नाम था जनरल रेजिनॉल्ड डायर को सौंपी गई, जिसको हम जनरल डायर कहते हैं। डायर ने 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी की गई कि लोग पास के बिना शहर से बाहर न जाए और एक समूह में 3 लोगों से अधिक लोग जुलूस, प्रदर्शन या सभाएं न करें। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन आसपास के गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए, जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे। स्थानीय नेताओं ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन किया। त्योहार के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन बैठकें भी शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे थे, जिसमें 2 प्रस्ताव रोलेट अधिनियम की समाप्ति और 10 अप्रैल की गोलाबारी की निंदा पारित किए गए। जनरल डायर ने सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया। डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गई जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गई। सभा स्थल के सभी विकास मार्गों के सैनिकों द्वारा घिरे होने के कारण सभा में सम्मिलित निहत्थे लोग चारों ओर से गोलियों से छलनी होते रहे। इस घटना में लगभग 1,000 लोग मारे गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। वैश्विक क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की भर्त्सना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया, जिसे 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना अपना सत्याग्रह को समाप्त घोषित कर दिया। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह समाप्त कर दिया क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट में बताने की बात करता हूँ कि हुआ क्या था। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को हमारे जो दो क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो उनको गिरफ्तार किया गया इस विरोध में, और जो रोलेट एक्ट लाया गया था उसके विरोध में हमारी जो भारतीय जनता थी वो जलियांवाला बाग जगह पर बैठक कर रही थी। एक शांत तरीके से प्रदर्शन हो रहा था,
शांत तरीके से, उसमें किसी भी तरह का किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं किया जा सकता किया जा रहा था। लेकिन जब जनरल डायर को ये पता लगा कि वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, सभाई की जा रही है, तो उन्होंने मेन गेट को बंद करा दिया, जलियांवाला बाग के मेन गेट को बंद करा दिया, और जनता पर बिना, यानी कि जो जनता सिर्फ बातचीत कर रही है, एक दूसरे से बातचीत हो रही है, जो विरोधियों को, अपने जो विरोधियों के का जवाब कैसे दिया जाए इस विषय पर बात हो रही है, अपने नेताओं को कैसे छुड़ाया जाए इस विषय पर बात हो रही है, रोलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया जाए इस विषय पर बात हो रही है, उस जनता को, उस निहत्थी जनता को उस जनरल डायर ने उस जनरल डायर ने उन पर गोलियां चला दी। देखो, सरकार कहती है कि 1,000 लोग मारे गए, लेकिन 1,000 लोग भी कम नहीं होते। आप सोच कर देख लीजिए, 1,000 लोगों को पर सीधे गोलियां चला दी जाए, बच्चे बूढ़े महिलाएं सब शामिल हो, तो कितने क्रूर रहे होंगे अंग्रेज। और आप लोग कहते हो, आप लोगों ने सुना होगा कि कहते ना हम लोग कि अंग्रेज ना होते तो भारत का क्या होता। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए हो कि वो कितने क्रूर थे, कितने घिनौने थे। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसकी घटना यही है कि उस विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे थे, जनरल डायर ने इसको अपना अपमान समझा और गोलियां चला दी। अब जब ये ऐसा कांड हो चुका था, हत्याकांड हो चुका, तो जो भारतीय जनता भी, वो भी अहिंसा के रास्ते पर नहीं चलना चाहती थी उस समय, तो उन्होंने भी हिंसा का रास्ता अपना लिया। इससे गांधी जी रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया जाए। तो अब उन्होंने क्या किया, अपने सत्याग्रह को समाप्त कर दिया, उन्होंने अपने सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। तो ये था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हम बात करते हैं हंटर आयोग। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जो मौतें हुई थी उसकी जांच करने के लिए एक हंटर आयोग बनाया गया। ये जो हंटर आयोग था, इसका काम ये था कि अमृतसर में जो घटना घटित हुई है उसकी जांच करना था। और इसमें जांच में पाया गया कि हाँ, जनरल डायर ने गलत काम किया है, उन्होंने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई है, उनको उपस्थित होने के लिए कहा गया, उन्होंने बिल्कुल माना इस बात की, हाँ उन्होंने ये जानबूझकर किया। उनका ऐसा मानना था कि वो तो पूरे पंजाब को समाप्त करना चाहते थे, और उनके शब्दों में कुछ लाइनें हैं, मैं बता देता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा हो सकता था कि वह बिना गोली चलाए भीड़ को शांत कर सकते थे, लेकिन वे लोग फिर से आते और हमारा मजाक बनाते, और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। जनरल डायर की इन बातों को सीरियसली लिया गया, गंभीरता से लिया गया, और ब्रिटिश सरकार ने माना कि ये जनरल डायर की एक भूल है। जो जलियांवाला बाग में ऐसा भी कोई काम नहीं हो रहा था कि जिससे ब्रिटिश सरकार को खतरा हो, तो जनरल डायर को उनके पद से हटा दिया गया, उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सैनिक कार्रवाई, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें तनख्वाह भी मिलती रही, सैलरी भी मिलती रही आधी, और उनको पेंशन भी दी जाती रही, केवल उनको पद से हटाया गया था। तो दोस्तों, ये हंटर आयोग था जिसका काम था जांच करना कि क्या कुछ हुआ था, किसकी गलती थी इसमें। जनरल डायर को दोषी पाया गया था, उनको सिर्फ पद से हटाया गया, लेकिन उनको का उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उनको सैलरी भी बकायदा मिलती रही और उनको पेंशन भी मिलती रही। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताया गांधी जी की भारत वापसी से लेकर हंटर आयोग तक का सफर, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। ये मैंने आप लोगों को बताया है, आधुनिक भारत का इतिहास किताब का नाम है स्पेक्ट्रम, जो राजीव अहिर जी ने लिखी है, उनसे उनके कंटेंट को मैंने आपको बताया है। आप इसको एक दो बार सुन लीजिएगा, आपके मन मस्तिष्क में इस किताब में जो बताया गया है उसकी एक कहानी आपके दिमाग में छप जाएगी, बस जाएगी, रच जाएगी। तो आगे आने वाले लेक्चर में मैं इसके आगे का पार्ट लेकर आऊंगा, आगे की कहानी लेकर आऊंगा इसी बुक की। तब तक के लिए धन्यवाद।